हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशली एजुकेशन पर। आज बेटा हम कर रहे हैं हमारी ईवीएस का फिफ्थ लेसन का सेकंड पार्ट, जिसमें कि पहले वीडियो में हमने कुछ लेसन का कुछ पार्ट कर लिया था और आज हम कर रहे हैं उससे आगे का। और हमारे लेसन का नाम है छोटूज होम, छोटूज हाउस, छोटू का घर। बेटा आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं होम स्वीट होम, होम हमारा प्यारा सा होम यानी कि घर। अब यहाँ पे कह रहा है ये, यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग ओनली टू अस। यहाँ पे ये बच्चा बैठा दिख रहा है ना तुम्हें, तो अपने आप से सोच रहा है कि माँ तुम हमेशा मुझे कहती हो कि हमारा घर हमारा ही है। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर, परंतु माँ मैं उस पर कैसे यकीन करूं। मदर मीन्स माँ, मम्मी, एंड बिलीव मीन्स विश्वास करूं। वेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर, जबकि मुझे पता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे जीव रहते हैं। बेटा सबके घरों में होते हैं ना, क्या क्या होते हैं वो यहाँ पे बताएंगे। लुक मदर हाउ दीज माइस, देखो ये चूहे, आर ऑल प्लेइंग कैच 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 टूगेदर, की आपस में पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। चूहे भाग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो। तो चूहे भी रह रहे हैं हमारे घर में, होते हैं ना सभी के घरों में। हाँ, एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई एंड हाउ पीस लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और कह रहे हैं कि किस तरह से ये मच्छर घूम रहे हैं, मच्छर भी हमारे घर में घूमते हैं, और ये स्पाइडर मकड़ी कैसे खुश हुई खुशी यहाँ पे शांति से पड़ी हुई है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, लिजार्ड मीन्स छिपकली, देखो छिपकली पड़ी है, सुस्त छिपकलियों को देखो माँ, देखो इन सुस्त पड़ी छिपकलियों की तरफ। हाउ स्लोली इट क्रॉल टू एंड फ्रो, कैसे धीरे धीरे ये मजे से इधर उधर रेंग रही है, दीवार पे घूम रही है ना। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंट्स, और ये कितनी सारी चींटियां हैं, पिक्चर दिखा रखी है ना चींटियों की। हाँ, और सभी के घरों में होती हैं चींटियां भी। ऑल मार्चिंग इन ए रो, सभी एक लाइन में मार्च कर रही हैं, घूम रही हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, और आंगन में देखो, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई सम टाइम फ्लाइट कॉल एंड शाउट, और देखो को आंगन में ये पेड़ पे ये तो बैठे हैं ना पक्षी, तो कह रहे हैं कि पक्षियों की झुंड बैठे हैं और ऐसे का झगड़ रहे हैं जैसे मैम और मेरी बहन करते हैं, कि कभी झगड़ते हैं कभी चिल्लाते हैं ऐसे, कभी ची 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 जोर जोर से कर रहे हैं, कभी धीरे धीरे कर रहे हैं, जैसे मैं और मेरी सिस्टर करते हैं ऐसे ही ये भी कर रहे हैं। आगे है, दैट इज वाई आई से डियर मदर, तो यही कारण है कि मेरी माता जी मैं क्या कहता हूँ, डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली आवर्स, कि यह घर हमारा ही नहीं है। इट इज डियर टू अस एंड ऑल हु लिव्स हियर, कि यह हम उन सभी का है जो यहाँ पे रहते हैं, एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, और काफी सालों से रह रहे हैं। हाँ बेटा, तो पता चला ना, अब हमारे घर में कह देती ये मेरा घर है ये उसका घर है, लेकिन हमारे घर में ऐसे बहुत से जीव होते हैं जो हमारे अलावा भी रहते हैं, जिनमें से कुछ को तो हम अपनी मर्जी से पालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम पालते नहीं है लेकिन वो रह जाते हैं हमारे साथ ही रहते हैं, जो उनको हम अनवांटेड बोलते हैं, जैसे कि छिपकली, मच्छर, मक्खी, ये रहते हैं ना, और इनको हम चाहते नहीं है हमारे साथ रहे लेकिन फिर भी रहते हैं। और कुछ होते हैं वांटेड, जिनको हम चाहते हैं, यानी कि जैसे कोई कुत्ता पाल लेता है ना, कोई क्या पाल लेता है, बिल्ली भी पाल लेता है, किसी के यहाँ बफेलो होती, भैंस होती है, काऊ होती है ना, इस तरह से। तो घर में हमारे साथ सभी तरह के जीव रहते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन अवर हाउस अन इनवाइटेड, जिनको हम इनवाइट नहीं कर रहे कि हमारे पास आओ लेकिन फिर भी रह रहे हैं। राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर, यहाँ पिक्चर्स बनाने हैं और यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे घरों में अनइनवाइटेड, जिनको हम बुलाते भी नहीं, उनका नोता भी नहीं देते हैं। तो ये अनइनवाइटेड कौन कौन से हैं बेटा, यहाँ पे हम बना सकते हैं, मच्छर की बना लो, मक्खी की बना लो,
माउस की बना दो या लिजार्ड छिपकली की बना लो, कोई सी पिक्चर दो, कोई किसी भी दो की पिक्चर बना लो और उनके यहाँ पे नाम लिख दोगे आप, ठीक है, कर लोगे ना। हाँ ठीक है, अब आगे है डू यू कीप योर हाउस क्लीन, क्या तुम अपना घर साफ सुथरा रखते हो, तो इसका उत्तर क्या होगा, यस वी कीप आवर हाउस क्लीन। हाँ एंड हाउ, कैसे, तो यहाँ पे है वी क्लीन, वी कीप आवर हाउस क्लीन बाई ब्रूमिंग एंड मोपिंग। ब्रूमिंग मीन्स झाड़ू लगाना, झाड़ू लगा के, और मोपिंग पोछा लगाना, झाड़ू और पोछा लगा के घर को साफ रखते हैं। और क्या करते हैं, वी कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, और हम चीजों को उनके उचित स्थान पर रखते हैं, तब भी हमारा घर साफ सुथरा रहता है ना। अगर चीजें कोई इधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद भी घर गंदा ही रहेगा, है ना। तो इसलिए हम चीजों को भी अपने उनकी जो जगह है उसी जगह के ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पे देखो दो बच्चे खड़े हैं, इनकी क्या समस्या देखते हैं। यूज ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट को कैसे यूज करें, टॉयलेट को कैसे हम उसको प्रयोग करें, क्या कह रहे हैं ये। सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वाज गेटिंग अनकंफर्टेबल, सिमी ने ये देखा कि उसका फ्रेंड बिल्लू कुछ अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रहा है। नो टॉकिंग टू हर, उससे बात भी नहीं कर रहा था, तो सिमी पूछती है बिल्लू व्हाट हैपेंड, बिल्लू क्या हुआ, यू लुक सो डल, तुम ऐसे सुस्त से क्यों लग रहे हो। तब बिल्लू उसको बताता है आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली, मुझे नहीं पता कि मैं टॉयलेट के, देख टॉयलेट बना हुआ है ना, टॉयलेट सीट लगी हुई है, तो इसको सही ढंग से कैसे यूज करूं ये मुझे नहीं पता है। हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड, कि हीरा मैम अपने राउंड पर आ रही है, स्कूल की मैडम का नाम होगा ना हीरा, एंड अगेन सी वुड स्कोल्ड मी एज यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, और जैसे कि हर बार होता है अभी भी वो मुझे टॉयलेट को सही ढंग से यूज नहीं करने के लिए डांटेगी। तो सिमी कहती है व्हाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली देन, तब तुम सही ढंग से उसको प्रयोग क्यों नहीं करते, तो वो कहता है आई एम स्केर्ड, मुझे डर लगता है दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट, कि मुझे डर लगता है कि मैं उस गड्ढे में गिर जाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे गड्ढा सा बना हुआ नहीं है बेटा, ये होता है ना टॉयलेट में, तो उसको डर लगता है कभी मैं इसमें गिर ना जाऊं। तब सिमी कहती हाउ स्टूपिड, कैसे मूर्ख हो, एंड नाउ आई नो इट इज यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट सो डर्टी बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, तो अच्छा कह रही है कि अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारी तरह और भी हमारे दोस्त हैं, वो हमारे टॉयलेट को सही ढंग से न प्रयोग करके उसको गंदा करते हैं। भाई टॉयलेट में करेंगे तो हमारी टॉयलेट अंदर चली जाएगी ना, और जब बाहर करेंगे तो बाहर ही रहेगा, टॉयलेट में पेशाब भी और हमारी पोटी भी, ठीक है। डोंट बी स्केर्ड, डरो मत, बी रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो, कह रहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अंदर नहीं गिरोगे। लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रेस्पॉन्सिबल, कह रही है कि आओ अब हम देखते हैं कि हम कैसे जिम्मेदारी बने। यूज द टॉयलेट बाय सीटिंग प्रॉपरली, सीट पर अच्छे से ढंग से बैठ के टॉयलेट कर, देखो ये बच्चा यहाँ पे ये सीट तो यहाँ टॉयलेट की है, तो सीट यहाँ लगी हुई है और यहाँ टॉयलेट कर रहा है, तो इससे तो गंदगी होगी ना, और यहाँ बैठ के करेगा तो गंदगी अंदर चली जाएगी, है ना। ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज, और हमेशा इसको यूज करने के बाद पानी डालो, इसमें फ्लश करो इसको। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, और अपने आप को अच्छे से साफ करो। वॉश योर हैंड्स थोरोली, और अपने हाथ भी अच्छे से धो। टॉयलेट यूज करने के क्या तरीके हैं, तुम में से भी कुछ ऐसे होंगे ना जिनको डर लगता है, तो बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, पिट में कोई नहीं पड़ेगा, उस गड्ढे में कोई भी नहीं पड़ेगा, उस टॉयलेट की सीट के ऊपर दोनों पैर रखकर फिर ढंग से बैठ के हमें टॉयलेट करना चाहिए, और उसके बाद अपने आप को अच्छे से साफ करें, अपने हाथों को रगड़ रगड़ के अच्छे से धोएं। अब यहाँ पे देखो ये तरीका बता रखा है कैसे, कि यहाँ पे टॉयलेट करने के बाद ये इसको चला दो फ्लश को, अगर कहीं पे फ्लश नहीं है और वो काम नहीं कर रहा है तो फिर इस टॉयलेट में पानी डाल दो, ऐसे ही उसको मत छोड़ दो,
लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, कि जैसे तुम अपने लिए कि साफ सुथरे में टॉयलेट जाना चाहते हो, ऐसे ही दूसरे के लिए भी साफ सुथरा छोड़ो। ठीक है, अब आगे इसके हैं कुछ क्वेश्चन। ये क्या है, डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कहाँ पे टॉयलेट एरिया है, कहाँ पे टॉयलेट करते हो ये बताना, ये तो पता ही है तुम्हें। इज इट क्लीन, क्या ये साफ होता है। हाँ भाई साफ ही होता है, हमारा तो स्वीपर कर देते हैं ना। हु क्लीन इट एंड हाउ, कौन इसको साफ करता है और कैसे। तो हमारा स्कूल का स्वीपर है, वो साफ करता है इसको, और इसमें हार्पिक वगैरह डाल के, पानी डाल के साफ करता है। हाउ डू यू हेल्प इन इट, तुम इसमें क्या हेल्प करते हो। हम यही हेल्प करते हैं कि जब भी टॉयलेट जाते हैं तो हर बार उसको अच्छे से फ्लश करते हैं, पानी डालते हैं, तो वो साफ ही रहता है ना। फ्रॉम नाउ, अब से बिल्लू यूज द टॉयलेट रेस्पॉन्सिबली। अब से जब जब उसने बता दिया है सिमी ने, तो उसके बाद बिल्लू उसको अच्छे से यूज करता है। ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज एंड वॉश इज हैंड्स, कि यूज के बाद वो उसको साफ सुथरा ही छोड़ता है और उसके बाद अपने हाथ भी धोता है। बेटा यही आदतें तुम में से जो नहीं अपना रहे हैं उनको भी अपनानी है, सभी को ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, कह रहा है कि जैसा तुम साफ सुथरा चाहते हो ऐसा ही दूसरों के लिए भी साफ सुथरा छोड़ते हो। अब तुम में से जो छोड़ते हैं वो तो कह देंगे यस, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो गंदा करके आते हैं, वो यस कैसे कहेंगे, उनको आगे से उसको साफ सुथरा छोड़ना है। इन लिस्ट द टाइम व्हेन यू वॉश हैंड, जब तुम अपने हाथ धोते हो तो उनकी लिस्ट में कब कब धोते हो, टॉयलेट जाते हैं तब धोते हैं, खाना खाते हैं तब धोते हैं ना। हाँ, व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, तुम्हें अपने आप को पूरा साफ करने की जरूरत कब होती है, कब करते हो, जब तुम खेल के आते हो तो सारे गंदे हो जाते हो दोबारा से नहाते हो, या फिर जब आप पोटी करते हो तब अपने आप को धोते हो। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ क्या कह रहा है, लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज हाउस, ये लता का घर है, ये कितना सुंदर है। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, ये रंगोली भी बना रखी है, ये तोरण लगा रखे है ना। इज देयर आर स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, क्या कोई स्पेशल तरीका है जिससे तुम अपने घर को डेकोरेट करते हो, सजाते हो। व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे सजाते हो, तो कब सजाते बेटा, वी डेकोरेट आवर हाउस इन स्पेशल वे ड्यूरिंग फेस्टिवल मैरिज टाइम और बर्थडे पार्टी इवेंट्स, तो कभी हमारे घर में कोई स्पेशल ओकेजन होता है, स्पेशल जो अवसर होते हैं जैसे कोई त्योहार आता है तब सजाते हैं, या हमारे घर में कोई शादी समारोह है तो, या बर्थडे पार्टीज वगैरह तो लगाते हैं ना, बैलून लगा लेंगे, लड़ी लगा लेंगे, है ना, लाइट्स वगैरह। हाँ, आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस, अब अपने मित्रों से भी पूछो, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे पूछो कि उन्होंने कब अपने घर को सजाया और कैसे सजाया, उनसे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, कभी तुम भी सजा लेना ऐसे ही, है ना। आगे है नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस, की उन चीजों के नाम बताओ जिनसे तुम अपने घरों को डेकोरेट करते हो। तो क्या क्या चीजें हैं, वी डेकोरेट आवर हाउस विद फ्लावर्स, फूलों से सजाते हैं, शादी वगैरह में लगाते हैं ना बैलून, और जब हमारा बर्थडे वगैरह होता है तो क्या ज्यादातर बैलून लगाते हैं, रंगोली दिवाली पे होली पे करते हो। हाँ, लाइट्स, लाइट जलाते हैं, लड़ियां लगा लेते हैं ना, एंड तोरंस एटसेट्रा, तोरण देखो ये लग रही है, बंदरवाल जिसको बोल देते हैं, इस तरह के उनसे हम अपने घरों को सजाते हैं। कुछ और भी तरीके हो सकते हैं बेटा जिनसे आप अपना घर सजाते हो, उनका यहाँ पे वर्णन कर देना है, उनको लिख देना है। तो इसके साथ ही हमारे लेसन कंप्लीट हो गए, और बेटा इनकी सभी वीडियोज को अच्छे से देख के इस लेसन को कंप्लीट कर लेना, कि कैसे छोटू ने अपना घर बनाया है और कैसे तुम अपने घर के अलग अलग पोर्शन बनाते हो और उनको कैसे सजाते हो, कैसे रहते हो, कैसे उसकी साफ सफाई रखते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।